नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं खबर हर पल। आइए बात करते हैं पूर्णिया जिला के कीर्त्यानंद नगर थाना क्षेत्र के प्रा परिषद क्षेत्र संख्या 15 के सदस्य सानिया आसुप्ता ने आज अपना नामांकन दाखिल करवा लिए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये किन मुद्दों के साथ अपने क्षेत्र में जाएंगे और इनका मुख्य मुद्दा क्या होगा। आइए मिलते हैं हम और बात भी करते हैं। सर, किन मुद्दों के साथ आज आपने नामिनेशन दाखिल करवाया है? पहले तो आपके के न्यूज़ चैनल और खबर हर पल के न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। वो लोग देखते हैं, निर्धारित आपके देखने वालों में से आते हैं। अब मैं के नगर प्रखंड क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 से जिला परिषद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया हूँ। मैं क्षेत्र के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए और पेंशनधारी लोगों के लिए और मेरे क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी पंचायत है, 5 पंचायत हमारे क्षेत्र में पड़ता है, एक दूसरे में समन्वय स्थापित करके कैसे एक दूसरे का विकास किया जा सके, एक दूसरे का सही से लिंकअप किया जा सके, एक दूसरे का नाला नदी पानी का व्यवस्था सही किया जा सके, ये सब विकास को लेकर के हम आगे जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या होगा? मेरा मुख्य मुद्दा सुरक्षा होगा, बेरोजगारी होगा और वहाँ पर जो लोगों में अब तक जो एक सुविधा उपलब्ध होना चाहिए था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जिम्मेदारी होता है, हमारे पीछे भी पंचायती राज काम कर रही थी तो उन लोगों के साथ जो करना था जवाबदेही थी उसमें से कुछ कमी रह गई है। ये नहीं कि कोई किया नहीं है, पीछे भी लोग किए हैं लेकिन कुछ बाकी रहा है, उसको भी करने के लिए मैं आगे आया हूँ और अगर क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित रूपेण जो उम्मीद रखते हैं, जो बेहतर काम होना चाहिए क्षेत्र में, उस काम को मैं अंजाम दूंगा। और अब तक मैंने जो सर्वे किया है अपने क्षेत्र में, उस सर्वे के आधार पे मैंने पाया है कि उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कहिए 75% वर्क में अभी कमी है, जो कि बहुत ही निहायत ज़रूरी है आने वाले समय में, क्योंकि ज़िले से 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा वो क्षेत्र पड़ता है। इस तरह से कहा जाए कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का व्यवहार, सब कुछ, क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए शहरी अनुकूल, वो नहीं प्राप्त हुआ है। वहाँ अब भी वहाँ पर ग्रामीण ही बस रहा है, बेचिरागी एरिया ही बचा हुआ है, तो इस चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे जा रहे हैं और भी मेरा उम्मीद रहेगा और मेरा प्रयास भी रहेगा कि वहाँ पे मैं जल्द से जल्द, अगर हमको मौका मिलता है तो मैं विकास का काम करूँगा। आपके क्षेत्र में भू विवाद ज़्यादा है, इसके लिए आपने कुछ सोचा? देखिए, भू विवाद पूरे पूर्णिया ज़िले के में हमारे के नगर प्रखंड में तो अधिक है, ये मानते हैं, लेकिन इसमें जिला स्तर से लेकर के भी और जिला स्तर के प्रशासन भी लगे हुए हैं और हम लोग प्रतिनिधि स्तर पे भी अगर मौका मिलता है तो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से बैठा करके आपस में समन्वय स्थापित करें और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान कर सकें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील यही करूँगा कि मैं आपके क्षेत्र का हूँ, आपका घर का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, भाई हूँ और आप अगर मुझे जगह सम्मान देते हैं, मौका देते हैं तो निश्चित रूपेण आप जो हौसला रखते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, मैं उस पर खड़े उतरने का कोशिश करूंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। युवा के लिए क्या सोच? युवाओं के लिए कि युवाओं पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, प्लानिंग तैयार करेंगे। जो हमने सर्वे में देखा है हमारे क्षेत्र में लिटरेसी क्या बहुत है, बच्चे एजुकेटेड कम हैं, हमारे क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनमें पढ़ाई लिखाई की कमी है, वो लोग जागरूक नहीं है। सिर्फ व्यवस्था तो है, सरकार के द्वारा शिक्षा भी व्यवस्था दिया गया है, स्वास्थ्य का भी व्यवस्था दिया गया है, लेकिन लोग जानकारी के अभाव में वहाँ तक जा नहीं पाते हैं, लाभ ले नहीं पाते हैं। तो मेरा कोशिश होगा लोगों को जागरूक करना, उन लोगों को उस जो सरकार की सुविधा है उस तक पहुंचाना, उनका लाभ दिलाना। क्या परिचय हुआ आप? मेरा नाम मोहम्मद सानी है, मैं के नगर प्रखंड प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 का जिला परिषद के लिए नॉमिनेशन किया हूँ।